हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है छाया भीसे। मेरे डीजी ऐप इंस्पिरेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम ट्रिगर का यूज करके पावर पॉइंट में खूबसूरत सा प्रेजेंटेशन किस तरह से बना सकते हैं, इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्लाइड नंबर 1 को मैंने डुप्लीकेट करके ले लिया और इसके ऊपर जो भी था वो मैंने पूरा सिलेक्ट करके डिलीट कर लिया। अभी मैं स्लाइड नंबर 1 पे हूँ। यहाँ पे लोगो और कंप्यूटर पार्ट्स टेक्स्ट इसे मैं कॉपी करके स्लाइड नंबर 2 पे लेके जाती हूँ। यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट करके ले लेती हूँ। अभी हमें इंसर्ट में जाना है, शेप्स में जाना है। एक ओवल शेप में यहाँ पे सिलेक्ट करके ले लेती हूँ। इस तरह से शेप मैंने ड्रॉ कर लिया। इसकी साइज मैंने इस तरह से बड़ी कर ली। अलाइन में जाएंगे, इसे अलाइन सेंटर और अलाइन मिडल कर लेंगे। लाइन ऑप्शन में जाएंगे, इसे मैं ब्लू लाइन अप्लाई कर देती हूँ। इसकी विड्थ में 5 रख देती हूँ और डैश टाइप में जाके मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन टाइप इसके ऊपर अप्लाई करके ले लेती हूँ। अभी लोगो को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अरेंज में जाके ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे। लोगो इस तरह से मैंने ओवल में सेट कर लिया। कंप्यूटर पार्ट्स ये जो टेक्स्ट है इसे मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसे भी अरेंज में जाके ब्रिंग टू फ्रंट करना है। इसकी लेटर हाइट हमें बढ़ानी है तो इस तरह से मैंने 32 लेटर हाइट यहाँ पे एडजस्ट करके ले ली और टेक्स्ट को भी इस तरह से एडजस्ट करके ले लिया। लोगो और टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसका ग्रुप बना देंगे कंट्रोल जी करके और इस तरह से इसे प्रॉपरली एडजस्ट करके लेंगे ओवल के बीच में। ये जो ओवल है इसे कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करना है और इसे सेंड टू बैक करना है। इसकी साइज इस तरह से बड़ी करनी है हमें और अलाइन में जाके इसे अलाइन सेंटर और अलाइन मिडल कर लेंगे। अभी हम स्लाइड नंबर 1 पे जाएंगे और यहाँ पे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, प्रिंटर ये जो टेक्स्ट है इन सभी को मैंने एक साथ सिलेक्ट कर लिया। इसे कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेंगे और स्लाइड नंबर 2 पे जाके कंट्रोल वी करके यहाँ पे पेस्ट करके ले लेते हैं। अभी ये जो बड़ा वाला ओवल है उसका रेफरेंस लेके ये जो टेक्स्ट है इसे अच्छे से मैं एडजस्ट करके ले लेती हूँ। इस तरह से देखिए मैं प्रॉपरली इसे फटाफट से एडजस्ट करके ले लेती हूँ। ये पूरी तरह से एडजस्ट हो चुका है तो अभी हमें इंसर्ट में जाना है और यहाँ पे शेप्स में जाएंगे। एक रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। मॉनिटर टेक्स्ट के ऊपर मैंने इस तरह से ड्रॉ करके ले लिया है और इसे सेंड टू बैक करना है। देखिए इस तरह से। और ये जो रेक्टेंगल है इसे मुझे सॉलिड फिल में जाके व्हाइट कलर अप्लाई करना है और इसकी बॉर्डर लाइन में नो लाइन पर क्लिक करके निकाल लेती हूँ। इसे मैंने कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर लिया और वापस मैंने नीचे की ओर शिफ्ट कर लिया रेक्टेंगल को। इसे वापस सेंड टू बैक कर लेंगे और कीबोर्ड के पीछे इसे इस तरह से एडजस्ट करके लेंगे। कंट्रोल डी करना है। माउस टेक्स्ट के ऊपर मैंने इसे रख दिया। वापस इसे सेंड टू बैक कर लेंगे और इसे प्रॉपरली एडजस्ट करके लेंगे। इस तरह से मैं फटाफट से बाकी टेक्स्ट के ऊपर भी एडजस्ट करके ले लेती हूँ रेक्टेंगल को। स्लाइड को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सॉलिड फिल में जाके इसके ऊपर लाइट ब्लू कलर मैं अप्लाई करके ले लेती हूँ। अभी हमें सभी टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट करके लेना है तो देखिए यहाँ पे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, प्रिंटर सभी को मैं एक साथ सिलेक्ट करके ले लेती हूँ। इसका भी हमें कलर चेंज करना है। जो स्लाइड को हमने कलर अप्लाई किया था वही कलर मुझे इसके ऊपर अप्लाई करना है तो फॉन्ट कलर में जाके आई ड्रॉपर टूल से मैंने इस तरह से कलर को अप्लाई कर लिया। अभी सभी रेक्टेंगल को इस तरह से सिलेक्ट करना है हमें और इसका भी कलर हमें चेंज करना है तो यहाँ पे सॉलिड फिल में जाके इसके ऊपर मैं ब्लैक कलर फिल करके ले लेती हूँ। बड़ा वाला ओवल है इसे मुझे डिलीट करना है तो इसे मैंने सिलेक्ट करके इस तरह से डिलीट कर लिया। अभी मैं स्लाइड नंबर 1 पे जा रही हूँ और यहाँ पे जो भी हमने इमेजेस ली थी उन सभी इमेजेस को मैंने इस तरह से कॉपी कर लिया और स्लाइड नंबर 2 पे जाके यहाँ पे हम पेस्ट करके लेंगे और इन सभी इमेजेस को अच्छे से एडजस्ट करके लेना है फटाफट से। तो इमेजेस अच्छे से एडजस्ट हो चुकी है तो अभी सभी इमेजेस को हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके ऊपर हमें एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई करना है। एनिमेशंस में जाएंगे और इसके ऊपर पहला एनिमेशन इफेक्ट फ्लोट इन ये मैं देने वाली हूँ और यहाँ पे स्टार्ट ऑन क्लिक पर मैं क्लिक कर देती हूँ। और एक एनिमेशन इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई करना है तो वापिस मैंने सभी इमेजेस को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे एड एनिमेशन में जाना है
और यहाँ पे एग्जिट में जाना है और यहाँ से मैं फ्लोट आउट ये वाला एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई करके ले लेती हूँ। अभी हमें सिलेक्शन पैन एक्टिव करके लेना है और ये जो टेक्स्ट हमने टाइप करके लिया है मॉनिटर कीबोर्ड माउस इन सभी का हमें नाम चेंज करके लेना है। तो मॉनिटर ये जो टेक्स्ट है इसका नाम मैं मॉनिटर ही रख देती हूँ। कीबोर्ड ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स करके नाम दिख रहा है तो इसे मुझे चेंज करके लेना है, इसका नाम मैं कीबोर्ड ही रख देती हूँ। माउस ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसे मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसका नाम मैं माउस ही रख देती हूँ। उसी तरह से प्रिंटर टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैं प्रिंटर ही रख देती हूँ और सीपीयू टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैं सीपीयू ही रख देती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने रीनेम कर लिया सभी टेक्स्ट बॉक्स को और अभी सिलेक्शन पैन में बंद कर लेती हूँ। तो चलिए ट्रिगर अप्लाई करके ले लेते हैं, एनिमेशंस में जाएंगे, एनिमेशन पैन एक्टिव करके ले लेते हैं। यहाँ पे मॉनिटर का इमेज मैंने सिलेक्ट कर लिया और अभी ट्रिगर ऑप्शन में जाएंगे, ऑन क्लिक ऑफ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे भी मॉनिटर यही टेक्स्ट हमें सिलेक्ट करके लेना है। अभी वापिस कीबोर्ड का इमेज मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके ले लेती हूँ, इसे भी ट्रिगर अप्लाई करना है तो ट्रिगर ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे ऑन क्लिक ऑफ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे भी कीबोर्ड या टेक्स्ट है इसके ऊपर मैं क्लिक कर देती हूँ। वापिस माउस सिलेक्ट कर लिया, ट्रिगर ऑप्शन में जाएंगे, ऑन क्लिक ऑफ पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे माउस पर क्लिक कर लेंगे। प्रिंटर सिलेक्ट कर लिया, ट्रिगर ऑप्शन में जाएंगे, ऑन क्लिक ऑफ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे प्रिंटर ये जो टेक्स्ट है इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे और सीपीयू का इमेज सिलेक्ट कर लिया और वापिस ट्रिगर में जाना है, ऑन क्लिक ऑफ पर क्लिक करना है और यहाँ पे सीपीयू इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इस तरह से ट्रिगर अप्लाई हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, एनिमेशन पैन में जाके इन सभी एनिमेशंस को एक बार चेक करके लेना है, स्टार्ट ऑन क्लिक है क्या हर एक जगह पे। देखिए जहां जहां पे नहीं होगा वहां पे हमें चेंजेस करके लेने हैं। देखिए यहाँ पे स्टार्ट विथ प्रीवियस आ रहा है तो वहां पे ऑन क्लिक ही आना चाहिए, तो इस तरह से मैं चेंजेस करके ले लेती हूँ। हर एक जगह पे ऑन क्लिक ही चाहिए हमें इस तरह से। अभी स्लाइड नंबर 2 को हम डुप्लीकेट करके लेंगे कंट्रोल डी करके और इसे टोटली 5 बार हमें डुप्लीकेट करके लेना है। अभी स्लाइड नंबर 2 को मैंने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे और एक एरो का शेप यहाँ पे इंसर्ट करके लेंगे। ये देखिए ब्लॉक एरोज में जाके एक एरो का शेप मैंने इस तरह से इंसर्ट कर लिया। अभी इस एरो के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट शेप का ऑप्शन एक्टिव करके लेंगे। एनिमेशन पैन मैंने यहाँ पे बंद कर लिया, एरो के शेप को मैंने सिलेक्ट कर लिया, कॉपी कर लिया। अभी स्लाइड नंबर 3 पे जाएंगे और यहाँ पे पहले मैं पेस्ट करके ले लेती हूँ इसे। वापिस स्लाइड नंबर 2 पे जाती हूँ, एरो का शेप मैंने वापिस सिलेक्ट कर लिया और साइज एंड प्रॉपर्टीज में जाएंगे और इसकी हाइट 0 रख देंगे, विड्थ भी 0 रख देंगे और इसे सेंड टू बैक करना है हमें शेप फॉर्मेट में जाके और इसे ओवल के पीछे डाल देंगे इस तरह से। अभी ये जो रेक्टेंगल है इसे भी डुप्लीकेट करके ले लिया, इसे भी साइज एंड प्रॉपर्टीज में जाके हाइट एंड विड्थ इसकी 0-0 रख दी और इसे भी सेंड टू बैक करना है हमें और ओवल के पीछे डाल देना है इस तरह से। अभी हम इस तरह से रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए इस तरह से सभी रेक्टेंगल्स को एक साथ में सिलेक्ट करके ले लेती हूँ और इसे पूरा डिलीट कर देंगे। अभी हम स्लाइड नंबर 3 पे जाएंगे, जो एरो कॉपी करके रखा था इसे इस तरह से एडजस्ट कर लिया मैंने, थोड़ा बड़ा कर लिया, इसे इस तरह से रोटेट कर लिया मॉनिटर ये जो टेक्स्ट है इसके डायरेक्शन में और इसे सेंड टू बैक कर लेंगे, ओवल के पीछे डाल देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से मैंने एडजस्ट करके ले लिया एरो को और बाकी कीबोर्ड के पीछे का जो रेक्टेंगल है, माउस के पीछे का रेक्टेंगल, प्रिंटर के पीछे का रेक्टेंगल और सीपीयू के पीछे का रेक्टेंगल सभी को मैंने डिलीट कर लिया। अभी एरो को वापस कॉपी कर लिया, स्लाइड नंबर 4 पे जाके कंट्रोल वी करके पेस्ट कर लिया, शेप फॉर्मेट में जाके इसे सेंड टू बैक कर लिया और इसे वापस रोटेट करना है कीबोर्ड के डायरेक्शन में और इसे इस तरह से एडजस्ट करके लेना है। अभी कीबोर्ड के पीछे का रेक्टेंगल रखेंगे और बाकी रेक्टेंगल्स हम डिलीट कर लेंगे फटाफट से। ये देखिए इस तरह से बाकी रेक्टेंगल को मैंने सिलेक्ट करके डिलीट कर लिया।
कीबोर्ड ये जो टेक्स्ट है इसके पीछे का रेक्टेंगल मैंने रख दिया। एरो को कॉपी करके स्लाइड नंबर 5 पे लेके जाएंगे, पेस्ट कर लेंगे, एरो का डायरेक्शन चेंज कर लेंगे माउस की ओर और देखिए इस तरह से सेंड टू बैक कर लेंगे एरो को। इस तरह से एडजस्ट करके ले लिया मैंने और बाकी रेक्टेंगल को इस तरह से सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, माउस के पीछे का रेक्टेंगल रख देंगे। प्रिंटर और सीपीयू के लिए मैं फटाफट से एडजस्टमेंट करके ले लेती हूँ। देखिए इस तरह से पूरा एडजस्टमेंट अपना हो चुका है। अभी मैं स्लाइड नंबर 2 से लेके 7 तक सभी स्लाइड्स को सिलेक्ट करके ले लेती हूँ। ट्रांजिशन में जाके मॉर्फ ट्रांजिशन में इसके ऊपर डाल देती हूँ। अभी स्लाइड नंबर 2 को मैंने सिलेक्ट कर लिया और स्लाइड शो पर क्लिक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं क्लिक कर देती हूँ तो इस तरह से एरो और रेक्टेंगल नजर आएगा। मॉनिटर के ऊपर क्लिक करने के बाद इमेज आएगा मॉनिटर का, वापिस क्लिक करने के बाद इमेज चला जाएगा। वापिस क्लिक करने के बाद कीबोर्ड के ऊपर रेक्टेंगल आ चुका है, इमेज आ गई कीबोर्ड की, क्लिक करने के बाद इमेज निकल गई कीबोर्ड की। देखिए बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पे ट्रिगर का यूज करके हमने प्रेजेंटेशन बना लिया और वो भी पावर पॉइंट में। देखिए कितना खूबसूरत सा यहाँ पे प्रेजेंटेशन बन के रेडी हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।